हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदन। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एटोज नॉलेज पर। आज मैं बात करूंगा आपके साथ न्यूमेटिक सिलेंडर कैसे काम करते हैं, उसका पार्ट्स का नाम क्या रहता है। तो ये सब के सब जानकारी चाहिए तो ये वाला वीडियो आपके लिए। ये वाला वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका न्यूमेटिक सिलेंडर कैसे काम करते हैं, उसका नाम क्या रहता है, अंदर का जो पार्ट्स का नाम क्या रहता है, ये पूरा का पूरा जानकारी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हमारा वीडियो के अंदर। हम लोग फर्स्ट देखेंगे जो सिलेंडर के जो रहता है, हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर रहता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स रहता है, उसके पार्ट्स का नाम क्या रहता है। तो ये पहले मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ है एक सिलेंडर को देखने के पहले, किसी भी चीज़ देखने के लिए। तो फर्स्ट जो मैं बात करूंगा, पिस्टन जो रॉड जो रहता है ना, वो आगे पीछे जो होता है इसको बोलते हैं पिस्टन रॉड। दो उसके बाद जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, क्लोजिंग पिस्टन है जो पिस्टन को सपोर्ट करता है ये पिस्टन के साथ, पिस्टन रॉड के साथ। उसके बाद आपको जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये है एक्चुअल पिस्टन जो बोर के साथ बिठा रहता है, सिलेंडर के अंदर बिठा रहता है। उसके बाद रहता है पिस्टन को कवर करने के लिए स्टैटिक एक सील रहता है, जहाँ से एयर लीकेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद पिस्टन गाइड रिंग रहता है, जो आगे पीछे होते टाइम भी इसको फ्रिक्शन से इसका लूज नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर रहता है पिस्टन सील, जो हम लोगों को चेंज करना पड़ता है जब खत्म खराब होने की वजह से। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है पिस्टन का बोर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। उसके बाद सिलेंडर कैप आगे पीछे दोनों साइड में रहता है, जिसको पूरा के पूरा एक पैक बनाने के लिए। उसके बाद ये जो रहता है, जो वाइपर सील जिसको बोलते हैं, वो रहता है। उसके बाद ये है न्यू रेगुलेटिंग स्क्रू, जिसके एडजस्ट बा इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेबल स्क्रू भी बोलते हैं। इसको हम लोग कम ज़्यादा करके भी पिस्टन का हम लोग स्पीड भी वेरी कर सकते हैं। उसके बाद दो सेट का जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग टाई रॉड बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइड रॉड भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो दो पोर्ट है, ये एयर पोर्ट जो हम लोगों को एयर पाइप कनेक्ट करना है। तो ये जो एयर पाइप कनेक्ट होता है न्यूमेटिक वाल्व के थ्रू, न्यूमेटिक वाल्व का जो हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर 5 पोर्ट रहता है, पी रहता है पावर पोर्ट, और ये जो ए और बी जो दिखाई दे रहा है ये है फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए। यहाँ पर जो पी है पावर पोर्ट और आर आर एस जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है एग्जॉस्ट पोर्ट। तो मैं इसका वाल्व के बारे में एक वीडियो बनाया, वो जाके देखो वो तो और भी अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा पी पोर्ट, हमारा यहाँ से कंप्रेस्ड एयर जाएगा पी पोर्ट के थ्रू। पी पोर्ट ए पोर्ट के साथ कनेक्ट है अभी, तो पी के जो एयर जा रहा है वो एयर ए के थ्रू आगे जाएगा, और सिलेंडर का जो पीछे वाला जो एयर पाइप जो कनेक्टेड है, यहाँ से पीछे यहाँ से आपको कंप्रेस्ड एयर पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, वो प्रेशर के थ्रू पिस्टन रॉड आगे निकल के जाएगा। तो वो आगे निकलने के लिए सिलेंडर का आगे से एक पाइप है जो बी के साथ कनेक्ट है, बी क्या करेगा ना एस के साथ कनेक्ट है अभी। तो बी से जो एयर आ रहा है वो एस के थ्रू एग्जॉस्ट हो रहा है बाहर, इसीलिए हमारा जो न्यूमेटिक सिलेंडर है उसका पिस्टन आगे बढ़ रहा है। तो सेम ही सेम उल्टा करेंगे तो पी बी के साथ कनेक्ट रहेगा ना, तो बी के थ्रू कंप्रेस्ड एयर आगे जाएगा और सिलेंडर का आगे एयर फोर्स करने का शुरू करेगा, इसीलिए वो पीछे आएगा और पीछे से सिलेंडर का जो ए के साथ जो कनेक्ट है पोर्ट, उसके थ्रू आर के थ्रू एयर एग्जॉस्ट होगा, इसके वजह से ही पिस्टन पीछे आएगा। सिलेंडर के अंदर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, वो फोर्स हम लोगों को कैसे पता चलेगा कितना फोर्स चाहिए एक सिलेंडर को आगे पीछे करने के लिए, तो उसके लिए क्या ना आपके पास जो प्रेशर, जैसे हम लोग एयर दे रहे ना उसका भी प्रेशर होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई आपका एरिया, इफेक्टिव एरिया आपको भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर पिस्टन एरिया और रॉड एरिया के अंदर जो क्या है। तो हम लोग फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू ए हम लोग बोल सकते हैं। ये था टोटल सिलेंडर का जो पार्ट्स का नाम क्या है यार, और उसके कैसे काम करते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो खत्म करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा, ये वाला वीडियो आपको वैल्यूएबल और नॉलेजेबल लगा, तो ये वाला वीडियो आप दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स।